जिन्होंने देश नूं पालना देश की रक्षा करनी उही देश नूं खा रहे हैं। विजय मालिया जी जिहड़े बड़े मन्ने तन्ने ने जिन्हों की किंगफिशर कंपनियां जिहड़े भज गए इंग्लैंड गए ने भजाए तो मेरे ख्याल जेटली साहब ने ही पर अजे तक तो वो काबू नहीं आए इन्हों तो 1943 करोड़ रुपये उन्होंने भी माफ कर देना कृपा करती सरकार ने। 18 कंपनियां यहोजियां जे जिन्हों का 1000 करोड़ रुपया कर्जा माफ होया ते 25 कंपनियां यहोजियां जे जिन्हों का 600 तो लैके 900 करोड़ रुपये तक माफ होए आ जिथिया जा सके। अज मैं सारी रात सौ नहीं सकिया, एक तो मैं खबर पढ़ी भराओ तुहाडे नाल सांझी करनी चाहुंदा। साडे देश दे पंजाब इहो जे वड्डे घराणे जिन्हां नूं विलफुल डिफाल्टर्स का नाम दिता गया उन्हां दा काम वेख लो भी इस सरकार ने उन्हां दा 68,607 करोड़ रुपये आ 3-4 महीने च उन्हां दे सारयां दे माफ करते ने पंजाब घराणियां दे। तो मैं हैरान रह गया भी गरीब लोग 50,000 या 1,00,000 रुपया लेंदे तो उन्हां दा कोई माफ नहीं करता, उन्हां दे घर बैंक वाले जाके बुलबुलियां मारदे रौला पाउंदे, तो जिहड़ा एडे एडे वड्डे घराने इन्हां नूं सरकार इन्ने फायदे देई जांदी है। फिर आपां सोचदे भी साडी इकोनमी बड़ी थले चल गई है, तो इकोनमी जाऊ जो उल्टी वाड़ खेत नूं खाए। जिन्हां ने देश नूं पालना देश की रक्षा करनी उही देश नूं खा रहे हैं। पिछे ना भराओ तुहानूं मैं दसना चाहुंदा 20 फरवरी जिहड़ा पार्लीमेंट का सैशन सी उहदे च मैडम सीता रमन जिहड़ी कि साडी फाइनांस मिनिस्टर आ देश की, पर विचारी दिनों दिन उहदी सेहत जिहड़ी डाउन हो जाती क्योंकि सरकार का प्रैशर बड़ा इकोनमी डाउन हो जाती है, उहनूं सवाल पुछया गया भी जिहड़े ये पैसे आ ये किस तरीके नाल माफ कर दिते गए ने, एग्जैम्पशन क्यों दिती गई, उहने कोई जवाब नहीं उहनूं दिता। एक अपने अर्गा मनुख गोखले जी आ वो उठे, उन्होंने आर टी आई पाई आर बी आई ने उहदा जवाब दिता 24 अप्रैल नूं जवाब देंदे ने कि उहदे च अभय कुमार जी जवाब दे रहे आर बी आई वालों कि हाँ जी असीं 68,607 करोड़ रुपया पंजाब विलफुल डिफाल्टरस नूं माफ कर दिता। उहदे च मैं सारी तुहानूं जानकारी देनी चाहुंदा वां कि इहदे च सब तो पहला नंबर हैगा महेल चौकसी कौन आ बंदा तुहानूं इह वी दस दईए कि नीरव मोदी उहदा भतीजा है जिहड़ा आलरेडी भगौड़ा है साडे पैसे देश ते मार के भज गया है। उहदी इक कंपनी है गीतांजली जेम्स लिमिटेड, उहदे च भरा उहने 5,492 करोड़ रुपये जिहड़े आ उह उहने माफ करा ले आ सरकार तों। एक दूजे नंबर ते कंपनी हैगी जे आर ई आई एग्रो लिमिटेड, इहदा 4,314 करोड़ रुपया सरकार ने माफ करता जे। एक तुसीं नाम बड़ा सुनिया होना इह संदीप एंड संजय झुंचन वाले जिहड़े आ बड़ा वड्डा घराणा है, इन्हां दा 4,314 करोड़ रुपया माफ करता। अगे जतन मेहता आलरेडी भगौड़ा है सारे आपां जानदे हां, इहदा 4,076 करोड़ रुपये माफ करते जे सरकार ने। ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ ਰੋਮੋਟੈਕ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟਡ ਕੰਪਨੀ ਆ ਉਹਦਾ 2,850 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਏ ਮਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਦੋਜ ਕੈਮੀ ਲਿਮਿਟਡ ਪੰਜਾਬ ਕੰਪਨੀ ਆ ਜਿਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2,326 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਏ ਮਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਭਰਾਵੋ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਗਦੀ ਗੰਗਾ 'ਚ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਰਾਮਦੇਵ ਜੀ ਅਤੇ ਬਾਲਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਫ਼ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਾ ਲਈਏ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਰਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਯੋਗਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਆ ਗਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਪੈਸੇ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪੈਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਰੁੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਇਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਿਮਿਟਡ ਲਾਈ ਇੰਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2,212 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਮਾਫ਼ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ, 7 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈਗੇ ਜੂਮ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟਡ, ਜਿਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2,012 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਮਾਫ਼ ਕਰਤੇ ਜੇ। ਇੱਕ ਭਰਾ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ 8 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ 'ਚ ਫਾਰ ਐਵਰ ਜਿਊਲਰੀ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਆ ਜਿਹਨੇ 1,962 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਏ ਮਾਫ਼ ਕਰਾ ਲਏ ਜੇ।
अगे फिर तुम बड़ा ही मशहूर ना सुनिया विजय मालिया जी जड़े बड़े मने तने ने जिन्हों की किंगफिशर कंपनियां जेडे भजिए इंग्लैंड गए ने भजाए तो मेरे ख्याल जेतली साहब ने ही पर अजे तक तो वह काबू नहीं आए इन्हों तो 1943 करोड़ रुपये उन्होंने भी माफ करते ना कृपा करती सरकार ने और जे योजना कृपा करते रहनगे तो मेरे ख्याल है कि जी सा इकोनमी आ जी डी पी आले आ के 0.8 तो ही आनी है यो ही लग रहा मैनू और एक मैं तुम होर दसना चाहना 18 कंपनियां यहोजियां जे जिन्हों का 1000 करोड़ रुपया कर्जा माफ होया तो 25 कंपनियां यहोजियां जे जिन्हों का 600 तो लैके 900 करोड़ रुपये तक माफ होए है मैनू इन्ना दस दौ भी पंजाब हिंदुस्तान के पंजाब के गरीब लोगों दसो ता कि पैसा माफ होया अज तक।